नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को सबसे पवित्र महीने का दर्जा प्राप्त है। सावन में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लाभ भी मिलता है। पुराणों के मुताबिक भगवान भोले के दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में यह मान्यता है कि कोई भी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को जब इस शिवलिंग के पास लेकर जाया जाता है तो उस शरीर की आत्मा उसी शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाती है और वो व्यक्ति दोबारा से जीवित हो उठता है। यह अद्भुत स्थान यमुना नदी के तट से बर्निगढ़ नामक जगह से केवल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। इतना ही नहीं, इस जगह के बारे में लोगों में यह बात भी मशहूर है कि खुदाई करते समय इस जगह से हजारों शिवलिंग मिले हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि ये वही जगह है जहां पर महाभारत काल के समय कौरवों ने पांडवों के वध के लिए लाक्षाग्रह का निर्माण कराया था। लोग बताते हैं कि महाभारत काल से इस मंदिर को लेकर यही कथा चली आ रही है। कथा के अनुसार अज्ञातवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने इस शिवलिंग को स्थापित किया था। ये शिवलिंग महामंडलेश्वर नाम से जाना जाता है। इस जगह पर युधिष्ठिर ने एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस शिवलिंग के पास 2 द्वारपाल पश्चिम की तरफ मुंह किए हुए हैं। अगर यहाँ कोई शव को लेकर आता है तो वो कुछ पल के लिए जिंदा हो जाता है और उसके अंदर थोड़ी देर के लिए ही सही प्राण का संचार हो जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर लाखा मंडल स्थान पर लाखा मंडल शिव मंदिर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहाँ पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षाग्रह बनाया था। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना इसी स्थान पर की थी। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता है तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो उठता है। इस प्रकार मृत व्यक्ति यहाँ लाया जाता है और कुछ पलों के लिए फिर से जिंदा हो जाता है। जीवित होने के बाद वो व्यक्ति शिव का नाम लेता है व गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।